अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अयाज राना, वेलकम टू द लाइव वाई। और अब जिस सेक्टर के ऊपर हम बात करेंगे वो है टिप्स ऑफ द डे। नाज़रीन, टिप्स ऑफ द डे के अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम जो शुरू मार्केट जब स्टार्ट लेती है स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद जो 10:30 बजे तक जो सूरत हाल होती है, हम ज़रा देखते हैं कि मार्केट ने जो शुरू का 1-1.5 घंटा जो गुजारा है वो किस तरीफ जो है तरफ उसकी मार्केट का रुझान है। मार्केट ने स्टार्ट जो है वो थोड़ा नेगेटिव लिया, उसके बाद प्लस 113 पॉइंट्स की तरफ मार्केट गई और अब माइनस जो है 128 पॉइंट्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं बोर्ड पे। इन तमाम बातों को लेके हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे डिस्टिंग्विश होस्ट गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर शुजात। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जनाब। सर, डॉक्टर साहब, क्या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज संभल ही नहीं रहा है? हम दो दिन उम्मीद कल ये थी कि एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी मार्केट और लेकिन फिर वही खबरें और उसके बाद मार्केट ने स्टेबिलिटी नहीं हुई अभी भी। असल में थोड़ा सा बहुत शुक्रिया, असल में सिलसिला ये है कि अभी हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारी मार्केट्स में अब ओवर रिएक्ट बहुत ज़्यादा हमने करना शुरू कर दिया। ठीक, और पहले ही हमारी मार्केट के बारे में ये कहा जाता था कि हम सेंटिमेंट्स पे ज़्यादा चलते हैं, फंडामेंटल्स पे कम चलते हैं, लेकिन पिछले चंद महीनों से मैं कम से कम पिछले चंद हफ्तों से ये कहूँगा कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है ये सेंटिमेंट्स पे ज़्यादा चल रही है, फंडामेंटल्स पे कम चल रही है। जो भी डिफरेंट खबरें आ रही हैं उसको इस तरह से जो है ना एक्सपोनेंशियली उनका रिस्पॉन्ड किया जा रहा है कि इस तरह से करके रिएक्ट किया जा रहा है कि ऐसे पता चलता है पता नहीं कोई क़यामत जैसे आ गई हो, लेकिन कोई ऐसा है नहीं। ऑन ग्राउंड सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है, इकॉनमी के फंडामेंटल्स जो हैं वो बिल्कुल वही हैं, इकॉनमी के फंडामेंटल्स इतनी जल्दी चेंज भी नहीं आते, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस भी नहीं है, कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स भी बेहतर हैं। अभी तो पॉलिटिकल सूरतेहाल में जो थोड़ी सी टर्बुलेंस आई थी वो भी बेहतर हो गई है। तो इन सारी सूरतेहाल को देखते हुए एक आम फहम आदमी ये समझ सकता है कि इकोनॉमी की सूरतेहाल बेहतर है और कंपनीज को स्टॉक एक्सचेंज में परफॉर्म करना चाहिए और ओवरऑल जो कंपनी की ट्रेडिंग्स है वो उनकी फंडामेंटल्स पर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कल के फॉर एग्जांपल देखें उसकी ट्रेडिंग को, तो कल की ट्रेडिंग में ऐसे नज़र आता है जैसे इन्वेस्टर्स ने बहुत ओवर रिएक्ट किया हो, और स्पेशली जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की थी, शायद एक वजह हम भी हैं, हम लोग इससे मुराद जो मीडिया के हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि इस खबर को जो है ना वो चूल्हे से हटने नहीं देते, लगा के इसको गर्म कर रहे हैं, उबाल रहे हैं खूब, भाई इसको निचोड़ लिया आपने, अब इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं बहुत वो नेगेटिव आएंगे आपकी मुल्क की मईशत पे। स्टॉक एक्सचेंज आपने देख ली, ये तो स्टॉक के साथ साथ वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही एक समझ लीजिए कि एक नेगेटिव न्यूज़ है और एक उनके ट्रस्ट शेक होने वाली बात है। तो मेरे ख्याल में इसको चूल्हे से उतारना चाहिए, ये इतना बुरा वो नहीं हो रहा जितना हम बता रहे हैं, बड़ा चढ़ा के जितना हम बता रहे हैं। सही, तो डॉक्टर साहब क्या लगता है इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट्स पे आप नज़र रखे होते हैं तो कैसा देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स, किस तरफ जा रही हैं? इंटरनेशनल मार्केट्स बहुत बेहतर जा रही हैं, मैं आपको बताऊं इंटरनेशनल मार्केट्स में, अब इंटरनेशनल मार्केट्स से ही हम सबक सीख लें। इंटरनेशनल मार्केट में एकदम डाउनवर्ड डिक्रीज आया, गिरावट आई, अच्छी खासी आई, उन्होंने रिकवर किया 2-3 दिन में और अब से लेके उस वक्त से लेके अब तक इंटरनेशनल मार्केट्स पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है। ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल मार्केट्स के मार्जिन या उनका इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ उतना बड़ा मार्जिन से नहीं होता जितना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में है, क्योंकि उसके वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इंटरनेशनल मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है। आज की आप मार्केट को देख लें, इंटरनेशनल मार्केट्स में तकरीबन सारी मार्केट्स हैं, अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट सारी 1% के साथ पॉजिटिव परफॉर्म कर रही हैं। तो इंटरनेशनल सूरत हाल भी सही है, डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिचुएशन में भी कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ अगर कोई नज़र आ रही है तो ये जो चंद एक खबरें पाकिस्तान के बारे में आ रही हैं वो खबरें और चंद सेक्टोरल जो इश्यूज़ हैं उनकी वजह से हमारी स्टॉक जो है ना रिएक्ट कर रही है। जो कमोडिटीज़ हैं इंटरनेशनल जो आप देख रहे हैं वो भी मेरे ख्याल से इस वक्त जिस तरीके से पिछले हम दिनों में बात कर रहे थे ऑयल की प्राइसेस की एकदम से ऊपर नीचे हो रही थी, अगर गोल्ड की बात कर ली जाए, दूसरी हमारी लोकल कॉटन की बात की ली जाए, तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ नाज़रीन ताकि ये समझ सकें कि क्या इफ़ेक्ट कोई इंटरनेशनली आ रहा है क्या आ रहा है। मैं इसलिए ये तमाम तर सेक्टर्स के ऊपर पहले बात कर रहा हूँ, फिर हम अपनी नहीं, बिल्कुल आप सही, बड़ा आप अच्छा कर रहे हैं कि ताकि क्लैरिफाई हो लोगों को कि अब कमोडिटीज़ आप कैसा देख रहे हैं इस वक्त। कमोडिटीज़ आप देखें, ऑयल की प्राइसेस $63.88 पर बैरल पर मेरे ख्याल में अभी जो ट्रेड हो रही है, ये प्राइसेस
एक एवरेज और मॉडरेट प्राइस है। ठीक, पहले जैसे मैं और आप ही बैठे हुए थे तो हम उस दिन 69-70 पे ट्रेड कर रही थी, अब कम हो गए 63। अब ये एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 61 से लेके 66 के जो रेंज ऐसी में फ्लोट करेगी। ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा टर्बुलेंट होती है, ज़्यादा चेंज होती है, लेकिन ये भी अब मॉडरेट लेवल पे है। गोल्ड की प्राइस जो है इसमें थोड़ा सा नेगलिजिबल चेंज जो है वो आ रहा है। गैस की प्राइसेस जैसे अनचेंज थी। तो ओवरऑल आप देखें कमोडिटी मार्केट में भी कुछ बहुत ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जो कोई बहुत बड़ी नोटिसेबल चीज़ हो। इट्स बिल्कुल मॉडरेट लेवल पे मूवमेंट्स हो रही हैं। कमोडिटी मार्केट में मॉडरेट मूवमेंट्स हैं, इंटरनेशनल मार्केट में मॉडरेट मूवमेंट्स हैं। इकोनॉमी के फंडामेंटल जो हैं वो वही हैं जो आज से 2-3-4 महीने पहले थे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी रीज़न हो जिसकी वजह से स्टॉक जो है ना वो एकदम से डिप करें। तो सर क्या फिर हम ये बात बोलेंगे कि ये टेक्निकल वजूहात कह सकते हैं, जो एक टर्म यूज़ की जाती है कि जी एक टेक्निकल वजूहात की बिना पर, ताकि जो इन्वेस्टर है उस वो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो उसको नीचे लाएं मार्केट को और उसके बाद उसकी बाइंग शुरू करें। देखें टेक्निकल वजूहात से ज़्यादा जो है ना इसको अगर हमें ये जान बूझ के भी किया जाता है। ठीक है जी, आप जरा देखें क्योंकि आपका जो है वास्ता ज्यादा पड़ता है, तो मेरा तो क्योंकि ज्यादा वास्ता नहीं पड़ता तो मैं ओवर द काउंटर होता है, तो मैं इसको जरा क्लियर कर देता हूँ कि कई दफ़ा ये मार्केट के अंदर जो है ना वो खेल इस तरह का खेला जाता है। अब हमें नहीं पता कि कौन खेल रहा है, वो सब जानते हैं इसके प्लेयर्स जो हैं, तो जानबूझ के कभी इसको डाउन करते हैं, फिर बाइंग कर ली, अप कर लिया। तो लेकिन ये बहुत एक नेगेटिव चीज़ है। इससे आपको ये आपको पता है, हमसे पहले भी कितने लोग यही राग अलाप के चले गए कि भाई इस तरह से ना करें, लेकिन अल्लाह करे कि हमारी गवर्नमेंट्स और रेगुलेशंस इतने स्ट्रांग हो जाए कि उन लोगों को पकड़ा जा सके। लेकिन मुझे एक उम्मीद है राणा साहब अभी के जो अभी जो हमारे नए स्टॉक एक्सचेंज के सरबराह हैं जो उसको हेड कर रहे हैं, वो इस चीज़ को उसका नोटिस लेंगे। और वो ये नहीं हो सकता कि पहले अगर अप्स एंड डाउन हो रहे थे तो अब भी ऐसा चलता रहे। मुझे लगता है कि चीज़ें कुछ बेहतर होंगी। तो आप देखते हैं ये कैसे केस है। उन्होंने बड़ी मीटिंग्स की हैं ECCP के साथ मिल के, वो चाह रहे हैं कि कमेटी पूरी बना दी जाए जो कि इन सब तमाम तर चीज़ों के ऊपर भी नज़र रखे। और बहुत से ऐसे मामलात हैं जो उनकी समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर ये लोकल जो हजरात यहाँ पे मौजूद रहे, जो MDs रहे, उनके किस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया या किस तरीके से प्रोजेक्ट किया है इस तमाम हमारी स्टॉक एक्सचेंज को। तो अब क्योंकि वो आए हैं, उसकी दूसरी वजह आपको पता है कि चाइना ने जब इन्वेस्टमेंट की तो वो चाहते थे कि कोई एक ऐसा बंदा है जिसके ऊपर ट्रस्ट और उसकी कोई क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, तो इसलिए ये तमाम तर इकदाम लिए गए। खैर अब देखते ये हैं कि जो मार्केट अब जो परफॉर्म करती हुई दिखी, इस वक्त नंबर वन ट्रेंड जो है सर कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन का सेक्टर, बिल्कुल उसके अंदर वही चाहे PTCL हो या हमारे दूसरे जो इदारे हैं वो मौजूद हैं, वही परफॉर्म करते हुए ग्रीन सी लाइटें उसमें नज़र आ रही हैं या रेड लाइट्स जो हैं वो दिख रही हैं। क्या लगता है आपको आज का बेस्ट परफॉर्मेंस ट्रेंड क्या हो सकता है? अभी जो सेक्टर इंटरनेशनली कम इफेक्ट होता है वो मैंने पहले कहा था कि जो बैंकिंग और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड सेक्टर्स हैं उससे इफेक्ट होंगे। और अगर आप देखें कि डिस्पाइट ऑफ पोस्टिंग द गुड अर्निंग पर शेयर और प्रॉफिट्स अच्छे पोस्ट करने के बावजूद हमारे बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सी बैंकिंग के जो शेयर्स हैं तो लोग थोड़े से रिलक्टेंट हैं इसको ट्रेड करने में। जो सेक्टर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं वो हमारे डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स, जिसमें मैं स्टील सेक्टर का बार बार कहता हूँ। सीमेंट सेक्टर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ये करेगा, और कोई वजह नहीं है कि सेक्टर को परफॉर्म ना करे। ऑटोमोटिव सेक्टर कोई रीज़न नहीं है कि इसके परफॉर्म ना करने की, वजह यह है कि सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट चल रही हैं, कोई इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो कल बड़ी उम्मीद थी कि दीवान वालों का जो है शेजोर आया और कल मार्केट में एक अच्छा अपर लॉक की तरफ जाएगी और कल वो नीचे हो गया। कुछ इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमने जो अभी बात की कि टेक्निकल रीजंस जो है ना बहुत सारे नजर आ रहे हैं इस वक्त मार्केट के अंदर, और इस वक्त अगर सेल्फ क्रिएटेड टेक्निकल रीजन। खैर डॉक्टर साहब, दूसरा आज जो ट्रेंड दिख रहा है, आज बड़े नए नए ट्रेंड जो नीचे 4th-5th के ऊपर होते थे आज वो टॉप ट्रेंड्स के अंदर हैं। दूसरा केमिकल है और उसके बाद टेक्सटाइल कंपोसाइट का जो सेक्टर है वो ऊपर है, और आज फिर फूड एंड पर्सनल केयर, जिसपे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सुबह के टाइम पे ट्रेड करता हुआ दिखता है और फिर आज 4 नंबर पर है वो, उसकी जो शेयर्स की कीमतें यानी लोगों की जो वॉल्यूम के हिसाब से ये हम बात करते हैं जो हम ट्रेंड्स बना रहे होते हैं जो नाजी के हम सबसे ज़्यादा ये चाहे उसके अंदर
नेगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी हो, दोनों सूरतों के अंदर जो ट्रेंड बना हुआ होता है, जिसके अंदर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा जनरेट हो रहा होता है, हम उसको ट्रेंड बोलते हैं और उसी को लेके बात करी जाती है। तो सर केमिकल सेक्टर, केमिकल सेक्टर देखें मैं आपको ये नाम गिनवा देता हूँ, अगर आपने आपने भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कर सकते हैं। नंबर वन मेरे ख्याल में ऑटोमोटिव सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, एक दो दिन के लिए कोई मसला नहीं है, लॉन्ग टर्म में इस सेक्टर ने हमेशा आपको देना है। सीमेंट सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, और केमिकल के साथ साथ फूड एंड पर्सनल केयर, ये तीन चार सेक्टर्स वो हैं जो अगर आप रख लें और आपको ये बिल्कुल आराम से आप खाते पीते रहेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है कि जो लोग तो समझते हैं कि पता नहीं मीडिया के लोगों के पास कितने रुपए होते हैं, ये तो उनसे ही पूछे बनता। तो जिनके पास हैं, जो हमारे नाज़रीन जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, जो वाकई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो ये तीन चार सेक्टर्स हैं, इसमें रख के मेरा जो इन्वेस्टमेंट कितने दिन रख सकते हैं आप, एक एक आइडिया अगर आपसे पूछा जाए। देखिए कम से कम आपके आज अगर मैं बोलूं कि आप उसके ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगा दें तो आप कितना दिन लगाना। देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगाएं ना, कम से कम आप चंद महीने तो रखें, 6 महीने आप कम, अब अगर अभी आपने खरीदना है तो आपको फिर या तो इलेक्शन से पहले बेच देना चाहिए या फिर आपको लंबा होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर आप अब परचेज करना चाह रहे हैं तो आपको 2018 के दिसंबर तक की आपके पास होल्डिंग पावर होनी चाहिए। डॉक्टर साहब बात इस तरीके से की जाए, क्योंकि हम थोड़ा लाइटर मूड में आज बात कर रहे हैं कि काफ़ी दिन से, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे है, लोग बड़े टेंस होते हैं सुबह के टाइम पे, तो हम चाहते हैं कि लोग थोड़ा आज का दिन थोड़ा खुशगवार माहौल के अंदर कारोबार भी चले, चीज़ें भी चलें, खासकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज स्ट्रीमलाइन आए, अपनी जरा जिस तरीके से कारकर्दगी दिखाता रहा है वो दिखाए, और हम तो चाहते हैं कि दोबारा से 50,000 की जो वो नफसियाती हद थी वो अबूर हो, वहाँ पहुँचे, बल्कि उससे 53 से भी ऊपर जाए। डॉक्टर साहब अगर बात ये की जाए कि ये सीज़न अगर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए तो बेहतरीन टाइम है, क्योंकि इस वक्त मार्केट नीचे, प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, तो क्यों ना इस वक्त इन्वेस्टर के लिए तो एक खुशगवार माहौल है उसके लिए तो बिल्कुल वो तो, अच्छा तो इसमें ये आप ये आइडियल इन्वायरमेंट है। अब मुझे पता नहीं कि आपके पास टाइम है, वरना मेरे पास इससे रिलेटेड एक लतीफ़ा है है अभी ये एक पुराने ज़माने में जब रात को सेफ्टी के पेश नज़र जो ये कैसल्स किले होते थे उनका दरवाज़ा बंद हो जाता था, तो सिर्फ वो लोग जो मुसाफिर होते थे उनके लिए दरवाज़ा खुलता था। तो एक बंदा को गरीब मेरे जैसा वो बाहर निकला, उसको शाम हो गई, देर हो गई, दरवाज़ा बंद हो गया, अब वो बेचारा साइड पे अपने गधे के साथ जो है बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है कि क्या करूँ मैं। इतने में देखता है कि दो जो शख्स हैं वो आ रहे हैं कहीं दूसरे दूर दराज इलाकों से, अब वो भी उनके साथ हो लेता है। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है तो अंदर से पूछता है भाई के कहाँ से हैं और कौन लोग हैं, तो कहता है तीनों सवार जो हैं वो दिल्ली से आए हैं। तो वो दो के साथ वो भी बेचारा घुस जाता है अंदर उसके। तो हमारे पास अभी भी ये जो आप टेक्निकल वजूहात कह रहे हैं, इसमें कुछ लोग तो जो दिल्ली के सवार हैं वो तो फ़ायदा उठाएंगे ही, आम लोग जो है ना वो जो मेरे जैसे हैं वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आप समझ तो गए होंगे लोग कि ये एक अपॉर्चुनिटी है और फ़ायदा इससे उठाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया शुजात साहब। नाज़रीन हमारी कोशिश है कि आज थोड़ा लाइटर मूड में सिर्फ बात कर रहे थे कि एक टेंस सूरत हाल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पिछले कई रोज़ से जो है वो गिरावट का शिकार है। हमारी उम्मीदें इससे कबल भी फ्राइडे को हमें उम्मीद थी कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, कल भी हमें उम्मीद थी कि अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन टेक्निकल बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि वो नहीं चल सका। इस वक्त एक -117 जो है वो बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है कि एक अच्छा डे हो स्टॉक एक्सचेंज के कारोबारी हजरात के लिए। टिप्स ऑफ द डे के लिए अब तक के लिए इतना ही। लाइफ आई की ट्रांसमिशन जारी है, देखते रहें बिजनेस प्लस।